हम जैसे लोगों जैसे नहीं है, दे आर वेरी अनबायस्ड पीपल, सो दे कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप फ्रॉम अ किड टू इवन एन एल्डर. इवन अ चाइल्ड जो कि घर से बाहर भी नहीं निकलता है, बट अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वही वायरस लेके घर में आते हैं, सो दैट चाइल्ड इज ऑल्सो वल्नरेबल. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about viral fever, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा फैल रहा है. और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडर जी. हेलो मैम, कैसे हैं? Hi, I'm good. मैम, वायरल फीवर आजकल बहुत ही ज्यादा फैल रहा है और हर दूसरे इंसान को हम देख रहे हैं, खांसी बुखार ये सब चीजें हो रही है. तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी कि वायरल फीवर एक्चुअल में है क्या और वो कैसे डिफर करता है बाकी के फीवर से. तो नेम सजेस्ट, वायरल फीवर है तो वो वायरल ही हो रखा है आज की डेट में. सो वायरल फीवर जो होते हैं वो यूजुअली अमूमन सीजन के चेंज के साथ हमें दिखते हैं. तो जैसे ही थोड़ा सा वेदर में चेंज आता है, अगर गर्मी से सर्दी या सर्दी से बरसात का मौसम, तो अब से बहुत सारे कॉमन कोल्ड के वायरसेस हैं जो एक्टिव हो जाते हैं. हम सबसे ज्यादा ड्रेडेड रहते हैं हमेशा कोविड या फ्लू वायरसेस से, बस उसके बावजूद भी मोर देन 200 वायरसेस हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड का वायरस, राइनो वायरस, ये सारे यूजुअल फ्लू लाइक सिम्टम्स करते हैं, जो कि नॉर्मल अदर बैक्टीरियल बुखारों से या लंबे बुखारों से फर्क है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव 3-4 दिन का रहता है. कफ हुआ, कोल्ड हुआ, खांसी हुआ, एंड देन द पेशेंट डेड. ओके, मैं अगर सिम्टम्स की बात करें वायरल फीवर की, तो वो आपने जैसे बताया कोल्ड कफ, और क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें वायरल फीवर हो गया? बिल्कुल. So, सबसे पहले तो वायरल फीवर की यूजुअली जो शुरुआत आजकल जो हम देख पा रहे हैं वो एक प्रोड्रोम टाइप से होती है, जिसमें एक्चुअल फीवर के आने से पहले 2-3 दिन के आपके लक्षणों में आपको बॉडी में वीकनेस, फटीगेबिलिटी, बोलते हैं कि बदन टूट रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत थकावट महसूस हो रही है, आंखों में जलन या बर्निंग सेंसेशन का होना, एंड देन द फीवर सेट्स इन. पहले हल्का बुखार, फिर तेज कपकपी वाला बुखार आना, एक्सट्रीम वीकनेस होना, खांसी जो कि यूजुअली आमतौर तौर पे ड्राई या सूखी खांसी होती है, बट बहुत ओकेजनली बलगम के साथ भी आती है, कोल्ड सबसे ज्यादा, रनिंग नोज या स्टफी नोज दोनों तरीके से, सोर थ्रोट, अक्सर बोलते हैं लोग कि गले में कांटे जैसे लग रहे हैं, इस टाइप का फीलिंग आना, गटकने में या स्वालो करने में चीजें मुश्किल होना, और अगर ये थोड़ा सा लंबा किसी किसी लोगों में खिंच जाता है जिनकी इम्यूनिटी लो है, तो उन लोगों में सांस लेने में भी परेशानी. और हवा में फैलने वाले वायरसेस, जैसे कि बताया कि 200+ वायरसेस हैं जो हमारे नाक, कान, गले, हर एरिया में रहते हैं, क्योंकि कॉमन ओर एरियाज हैं जो ओपन है, जो कि एयर सर्फेसेस के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो बहुत इजीली वायरसेस की एंट्री होती है, एंड देन दे बिकम द प्रॉब्लमैटिक एंड इन्फेक्शन इन द लोकल. ओके मैम, अगर बात करें कि ऐसा कोई एज ग्रुप है पर्टिकुलर जिसको वायरल फीवर होता है, लाइक ओल्ड एज या फिर यंग या फिर चाइल्ड या फिर ये किसी को भी हो सकता है? सो वायरसेस हम जैसे लोगों जैसे नहीं है, दे आर वेरी अनबायस्ड पीपल, सो दे कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप फ्रॉम अ किड टू इवन एन एल्डर. इवन अ चाइल्ड जो कि घर से बाहर भी नहीं निकलता है, बट अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वही वायरस लेके घर में आते हैं, सो दैट चाइल्ड इज ऑल्सो वल्नरेबल. सो इट्स कॉन्टेजियस, इट इज वेरी मच इन्फेक्टिव, क्योंकि हमारा एयर एंट्री ही पोर्टल है. तो आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, हम लोग भी अगर वन ऑफ अस इज इंफेक्टेड, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, छींक रही हूँ, हंस बोल रही हूँ, तो उसके थ्रू भी द ड्रॉपलेट्स कैन इंफेक्टेड एंड यू कैन कंट्रैक्ट. ओके ओके, अगर मैं बात करें कि एक तो हो गया माइल्ड फीवर नॉर्मल जैसे होता है, और एक है ये वायरल फीवर, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसा कौन सा सिम्टम हमारी बॉडी में आएगा कि हमको थोड़ा सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए उस टाइम? बिल्कुल. सो वार्निंग साइंस या डेंजर साइंस अक्सर माइल्ड फीवर के क्या होते हैं, कि अगर जो फीवर जो कि इवन आफ्टर 3-4 डेज के बाद भी कॉन्टिन्यूएशन में चले जा रहा है, एट वेरी हाई ग्रेड, या जिनका ग्रेड बढ़ गया हो 100-100.5 से सडनली द जंपिंग ऑफ 100-200-300-400 सीवियर शिवरिंग के साथ है, विच इज नॉट इवन ब्रेकिंग इवन आफ्टर अ पैरासिटामोल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये खांसी बलगम में तब्दील हो जाए, यानी कि उसमें से प्रोडक्टिव कफ आने लगे, अगर आपको सांस लेने में मेजरली दिक्कत हो रही है या सैचुरेशन फॉल कर रही है, या फिर आपको डीप ब्रीदिंग, लेबर ब्रीदिंग का ऐसा लग रहा है, और अगर बीपी पे फ्लक्चुएशन आने लगे या किसी और ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि लिवर या पीलिया हो गया किसी को, या यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम,
तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं सीवियर वायरल इलनेस, जिसके लिए हमें क्लोजली एक्सपर्ट की सलाह और तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन का थॉट लेना चाहिए। मैम, जैसे हम देखते हैं कि होम रेमेडीज हम यूज करते हैं इंडियंस, तो अगर वायरल फीवर हुआ तो हम क्या घर में भी कुछ ऐसे होम रेमेडीज कुछ ऐसा यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं? तो दो चीजें हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच इज ऑलवेज अ गुड अप्रोच। तो जैसे कि हम बोलते हैं होम रेमेडीज में हमारी मदर्स या हमारी दादी अक्सर तुलसी, अदरक, नीम, इस तरीके का पपीते के पत्ते जैसे आजकल के मौसम के लिए बोलते हैं, तो ये सब नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। हल्दी का दूध हो गया, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखते हैं, तो ये आपको इन्फेक्शन से फॉल होने में रुकावट पैदा करेंगे। बट अगर किसी को एक्चुअली में एक्टिव इन्फेक्शन है तो ये उसकी हीलिंग में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द ट्रू ट्रीटमेंट ऑफ दैट। ओके, वी कैन प्रिवेंट, बट अगर हो गया है तो वी शुड सीक मेडिकल हेल्प। डेफिनेटली, एंड साथ में दे एक्ट एज अ सपोर्टिव मेडिकेशन ऑल्सो। कि अगर हमारे को किसी को वायरल है तो हम अक्सर बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका रेस्ट, आपका हाइड्रेशन यानी आप कितना फ्लूइड इनटेक कर पा रहे हो, एंड अ प्रॉपर बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट। सो ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं अदर देन द मेडिसिन इन 90% ऑफ द वायरल फीवर्स। ओके मैम, मैं जानना चाहूंगी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग हाइड्रेटेड इन दिस एनवायरमेंट, इन दिस लाइक राइट नाउ जो वेदर हो रहा है उसमें कितना हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है?